हाँ जी बच्चों बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि, और ये इम्पोर्टेंट भी है बहुत, जो कोऑर्डिनेशन है इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है। सार कहते हैं ना, गागर में सागर बनना, मतलब बिल्कुल एसेंस है, निचोड़ है कि अगर किसी प्रबंधक की कुशलता का अध्ययन करना है, कि कुशलता देखनी है, तो वो ये नहीं कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है इस बात से पता चलेगा, ऑफकोर्स उससे भी पता चलता है, लेकिन वास्तव में अगर इसको बिल्कुल समझ लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो प्रबंधक कितना अच्छा काम कर रहा है इस बात से अगर हम उसे चेक करना चाहते हैं, तो वो इस बात से चेक किया जा सकता है कि कितना अच्छा उसका कोऑर्डिनेशन है, समन्वय कितना अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है। वैसे हमने प्रबंध के 5 जो थे उसके कार्य देखे थे। सबसे पहले नियोजन किया जाता है, उस नियोजन के बाद संगठन, उसके बाद नियुक्तिकरण, उसके बाद निर्देशन, और लास्ट में आकर नियंत्रण करता है। तो कई जो लेखा शास्त्र समझ लीजिए, जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जिन्होंने मतलब क्या नाम है, प्रबंध विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं, जो मैनेजर, जो अच्छे अच्छे मैनेजर रहे हैं और उनको बाद में उन्होंने लिखना, अपनी बुक भी लिखी है, तो जितने भी प्रबंध विशेषज्ञ हैं उनमें से कुछ प्रबंध विशेषज्ञ तो मानते हैं कि ये केवल 5 कार्य नहीं है प्रबंध के। प्रबंध के जो हमने 5 कार्य पढ़े, उस 5 कार्यों के अलावा एक कार्य और भी है, और वो कार्य उन्होंने मुख्य कार्य नाम दिया है, और वो मुख्य कार्य क्या है? समन्वय। यानी कुछ प्रबंध विशेषज्ञ तो ये मान करके चलते हैं कि समन्वय जो है प्रबंध का एक छठा कार्य है, और लेकिन कुछ प्रबंधक अलग भी मानते हैं, कुछ प्रबंध विशेषज्ञ अलग भी मानते हैं, मतलब अलग अलग राय है, लेकिन हमें अभी तक हमने बताया तो केवल 5 ही कार्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक कार्य मानते हैं, प्रबंध का ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मानते हैं, और कुछ इसको अलग से कार्य नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि हर कार्य के अंदर समन्वय की ज़रूरत है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसको एक अलग से कार्य नहीं मानना, ये उन 5 कार्यों की ही ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई समन्वय क्या प्रबंध का अलग से कार्य है, नहीं, कुछ मानते हैं ये बात अलग है, लेकिन उनके मानने से हम इसको अभी तक थियोरेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इन शॉर्ट दोबारा से देखते हैं, समन्वय क्या है ये हमने पढ़ लिया था, समन्वय कोई प्रबंध का एक अलग से कार्य नहीं है, लेकिन कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसको एक अलग से, एक सेपरेट कार्य, प्रबंध का ही इम्पोर्टेंट कार्य मानते हैं। लेकिन हमें क्या मान करके चलना है कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के अंदर अपना योगदान देने वाला एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, वो कोई अलग से कार्य नहीं है, वो इन्हीं का एक बड़ा योगदान देने वाला एक हिस्सा है। तो हम इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन बना है कि समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए। तो कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसको अलग कार्य मानते हैं, कुछ मानते हैं कि ये छठा कार्य है, कुछ इसको कहते हैं कि अलग कार्य नहीं है, बल्कि ये तो प्रबंध के अन्य सभी प्रमुख कार्यों का एक हिस्सा है, अर्थात प्रबंध के प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समन्वय का ही एक बड़ा योगदान है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, फिर 5 कार्यों के अंदर जो है समन्वय का योगदान कैसा है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे नंबर 1, मैंने अभी बता दिया है कि 5 कार्य ही हैं हमारे, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन 5 कार्यों के अलावा छठा कार्य समन्वय नहीं है। समन्वय क्या है? इन 5 कार्यों में योगदान देने वाला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो किस प्रकार से योगदान देता है, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं लिखी है, ये आप अपने आप लिखेंगे बुक से। तो सबसे पहला कार्य और समन्वय, तो समन्वय और नियोजन का क्या योगदान है, मतलब समन्वय द्वारा नियोजन में क्या योगदान दिया जाता है? तो वास्तव में समन्वय ही है जो कि नियोजन कार्य के अंतर अपना योगदान देता है, और महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोई भी फैक्ट्री का मालिक या जो टॉप लेवल का जो मैनेजर है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो किसी भी हमारी फैक्ट्री के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर जो योजनाएँ बनाते हैं, उस योजना बनाते टाइम सबसे पहले यही देखते हैं कि भैया समन्वय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे विभाग की, हमारे फैक्ट्री के अंदर जो जो हम विभाग बनाएंगे, कौन कौन इस काम को करेगा, क्या वास्तव में कर पाएगा? जितने भी व्यक्ति हैं सबकी अपनी योग्यता है, रुचि, व्यवहार सबका अलग अलग है। तो उन लोगों के अंदर, यानी कि जो परचेज डिपार्टमेंट ही है जैसे मान लीजिए, तो परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? जैसे हमने पढ़ा था ना योजना के अंदर, नियोजन में, कि क्या काम किया जाएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो कौन करेगा, ठीक है, कब किया जाएगा, वास्तव में योजना बनाई जाती है। तो योजना बनाते टाइम हम इस पहलू पर ज़रूर ध्यान रखते हैं कि क्या उनके बीच में तालमेल स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो योजना बनाते टाइम हम उस पहलू पर ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात आती है संगठन की। जब हमने योजना बना ली तो हमने एक ढांचा भी बनाया, ये भी एक तरह से प्लानिंग के अंतर्गत ही चल रहा है। तो जो हमने ढांचा बनाया
उसमें सारे डिपार्टमेंट हमने बनाए, और केवल 5 या 6 डिपार्टमेंट नहीं है, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं आपस में तालमेल होना उनके बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो संगठन बनाते टाइम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी समन्वय की, कि संगठन का निर्माण करते टाइम हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी डिपार्टमेंट आपस में तालमेल स्थापित कर पाएँ। अगर हमें लगता है कि तालमेल नहीं हो पाएगा तो संगठन बनाना बिल्कुल ही यूजलेस है। तो समन्वय की इम्पोर्टेंस नियोजन करते टाइम भी है, योजना बनाते टाइम भी है, और संगठन बनाते टाइम भी है। आगे बात करते हैं नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण करते टाइम या नियुक्ति करते टाइम समन्वय की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि भैया हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, हमें अपनी फैक्ट्री के अंदर, हमें अपनी कंपनी के अंदर इतने लोगों की ज़रूरत है, तो क्या वो लोग हमारी फैक्ट्री के अंदर तालमेल स्थापित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, जब हम उनका एग्ज़ाम लेते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखना चाहेंगे जो हमारी फैक्ट्री के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चल पाए। हमें लगता है किसी व्यक्ति को देखने से कि भैया ये नहीं काम कर पाएगा, तो हम उसको अपनी फैक्ट्री में नहीं रखना चाहेंगे। तो नियुक्तिकरण करते टाइम भी हमारा तालमेल अच्छी तरह से होना चाहिए, क्लियर। और हम उन्हीं लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे जो कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, तथा जो संस्था को अपनी तरफ से मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करके रिजल्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है समन्वय तथा निर्देशन। निर्देशन करते टाइम भी जब कोई प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, निर्देश देता है, या उनको मोटिवेशन देता है, या नेता के तौर पर उनके साथ बात करता है, या उनको सुपरवाइज करता है जो चारों पांचों अपने कार्य पड़े थे, तो हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान देना पड़ता है कि भैया लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो हमें उसको टालना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े जो हमारे अधीनस्थ हैं उनके ऊपर निर्देशन कार्य करते टाइम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये तभी हो पाएगा जब समन्वय हो। एक टॉप लेवल वाला हमेशा ये चाहेगा कि मेरे जो लोअर वाले लोग हैं, यानी कि मिडिल वाले जो लोग हैं, वो मेरे द्वारा किए गए काम से संतुष्ट रहें और मेरे सभी आदेशों को माने भी। तो वो तभी होगा जब टॉप वाले का मिडिल वाले के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। मिडिल वाला हमेशा ये चाहेगा कि जो सुपरवाइज़र वगैरह ये जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं लोग, वो भी मेरे आदेशों को माने। तो वो भी तभी हो सकता है जब समन्वय अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। नीचे वाले बंदे की बात ऊपर वाला माने, और ऊपर वाले बंदे की बात ऊपर वाले बंदे की बातों को या उनके द्वारा दिए गए ऑर्डरों को नीचे वाला बंदा माने। तो ये तभी हो सकता है जब समन्वय अच्छा हो। और लास्ट में नियंत्रण। किसी फैक्ट्री में नियंत्रण अगर करना है तो आपस में सभी का सहयोग होना, सबके बीच में समन्वय होना ज़रूरी है। तो कंट्रोल तभी हो पाएगा जब समन्वय होगा। तो मैंने आपको हल्का फुल्का हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और लास्ट में आकर के क्या कह सकते हैं, वास्तव में समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि इसका यह कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। सार मतलब निचोड़ है। जैसे नींबू को निचोड़ने के बाद रस निकलता है, नींबू शायद ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद जब रस निकलता है तो 1 या 1.5 चम्मच 1.5 चम्मच ही आता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी प्रबंधक की कुशलता केवल इस बात से निर्भर होती है कि उसने समन्वय कितना अच्छे प्रकार से किया, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये 17 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाया। आप सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।